हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम अपने ये फर्स्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं, जो इससे पहले मैंने क्लास 9 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का दो सेक्शन सॉल्व किया था, और आज बाकी के दो सेक्शन सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, जिसने भी पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं इससे रिलेटेड प्लीज़ उसे देख ले, ताकि आपको ये और प्रॉपर तरीके से समझ सके। और अगर आप वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना ना भूलें। हैव अ लुक, यहाँ पर क्या बोला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। ए बाय बी का वैल्यू आपको दिया है, तो सबसे पहले आप अपना काम क्या है भाई, ए बाय बी का वैल्यू लिखो। ए बाय बी का वैल्यू कितना है, 7/3। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से, पहले क्या दिया देखो, ए के साथ कौन है, टेम बुक में 3 बैठा है, पिछले वाले सब में कौन बैठा था, 2 बैठा था, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड गया था। यहाँ पर 3 बैठा तो क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या लिखोगे, टेकिंग, क्यूबिंग नहीं होता है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग मत लिखना भाई, टीचर भी पागल हो जाएगी, बोलेगी किधर से पढ़ के आए हो। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जब मैं क्यूब लूंगा तो ये ए का क्या हो जाएगा मेरा ए क्यूब, और बी का क्या हो जाएगा बी क्यूब, इज इक्वल टू, जो काम राइट साइड लेफ्ट साइड होगा दोनों साइड एक सेम काम होने वाला है। अगर इधर एक का इधर कुछ बदली होगा तो ये इधर भी बदली होएगा, तो 7 का क्यूब होगा और नीचे क्या होगा 3 का क्यूब होगा, फिर ये ऊपर ए क्यूब हो गया और नीचे क्या हो गया बी क्यूब। 7 का क्यूब अगर मैं बोलूँ तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, तो 7 × 7 × 7 तो 49 मल्टीप्लाई अगर 7 करूँगा तो 7 × 9 = 63, 6 × 7 = 28, 28 + 6 कितना होगा 34, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 343 डिवाइडेड बाय 3 को 3 बार करूँगा तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो ये मेरा वैल्यू हो गया 27। जिसने भी फर्स्ट वीडियोस नहीं देखे ना तो उनको थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लम होंगी, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख के रहो, देखो एकदम मक्खन जैसा समझेगा ये पूरा। चलिए, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब है, ये देखो बीच में क्या दिख गया, माइनस दिख गया। जब भी आपको बोला है अगर प्लस दिखेगा तो कॉम्पोनेंडो, माइनस दिखेगा तो डिविडेंडो, अगर दोनों दिखेगा तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यहाँ पर हम क्या करेंगे डिविडेंडो। देयरफॉर आप स्टेटमेंट लिखोगे बाय डिविडेंडो, तो जब मैं डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ तो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये ए क्यूब था, डिविडेंडो मतलब डिनोमिनेटर को माइनस करूंगा और अपॉन बी क्यूब ही रहेगा, तो जो काम इधर और वही काम इधर भी होगा, तो 343 − 27/27। चलिए आंसर बताइए, 343 − 27 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा मेरा 3, 13 − 7 होगा तो कितना 613, तो ये हो जाएगा मेरा 316/27। दिस इज़ योर आंसर, बस इतना ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बहुत लोग इसे बोलते हैं बहुत हार्ड एक्सरसाइज है, नहीं समझ में आता है, क्या हार्ड है, क्या हार्ड बताओ मुझे, क्या हार्ड है इसमें, हाँ नहीं तो। चलिए ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ सम, ये फर्स्ट सम के जैसा दिख रहा है क्या, फर्स्ट सम नहीं देखा तो प्रैक्टिस सेट देखो और फिर आके बताओ कि ये फर्स्ट सम के जैसा दिख रहा है, ठीक है। एक ए अकेला है, बी अकेला है, तो जो अकेले हैं उन्हें हम क्या करेंगे, मिलाने का काम करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 7/3। ए के साथ कौन है 7, बी के साथ कौन है 9, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 7/9 ऑन बोथ साइड, मतलब मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7/9 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा 7/9 से क्यों किया, क्योंकि ए के साथ 7 है तो ए ऊपर है इसीलिए 7 ऊपर, और बी के साथ कौन है 9, इसीलिए बी 9 आपका कहाँ रहेगा नीचे। अगर ऐसा होता कि ए के साथ 9 है तो मैं 9 को ऊपर रखता, 7 को नीचे रखता, जैसा क्वेश्चन वैसा मैं करेगा, मुझे मार्क्स चाहिए, बात खत्म। आगे देखो, इसके बाद क्या होगा, ये मेरा ए बाय बी है इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना है 7/3, मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, 7/9 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर क्या आएगा 7/9, इधर क्या आएगा 7/9, हो गया काम, काम काम खत्म। अगर जिसने भी पहले वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल गया कि हो गया काम, ये हो गया 9b, 7 का कितना होगा 49/9 × 3 = 27। अच्छा अभी देखो क्या है, प्लस बी है माइनस बी, तो क्या करेंगे बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, देयरफॉर स्टेटमेंट लिखोगे बाय CD मतलब क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो जब भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा 7a + 9b / 7a − 9b, जो काम लेफ्ट साइड में वही काम राइट साइड में, तो 49 + 27 / 49 − 27, 49 + 27 आपका वैल्यू कितना होगा, देखो 49 × 27, 9 + 17 कितना होता है 16 होगा, 6 × 1 = 4 × 2 = 6 = 7, तो 76 हो गया, तो ऊपर का वैल्यू आएगा 76, डिनोमिनेटर का वैल्यू इसी को माइनस कर दो, ये हटा दो, यहाँ से गया 9 − 7 = 2, ये 2, तो वैल्यू हो जाएगा 22, 2 से अगर मैं कट करूँ तो ऊपर आएगा 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 2 × 11 = 11, तो मेरा आंसर होगा 38/11। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट
प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन समझ में आया, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, वो भी बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।